हेलो हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के टॉप 5 खबरों की। करीना कपूर खान के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन अपने प्रेगनेंसी की खबर को छुपाती फिर रही हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। तो बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर से मां बनने वाली है। ऐसी अटकलें उनकी मीडिया से बनाई गई दूरी और अपना बेबी बम छिपाए जाने वाली तस्वीरों से लग रही है। मीडिया रिपोर्टरों की माने तो ऐश्वर्या फिर से मां बनने वाली है। मीडिया रिपोर्टरों के मुताबिक हाल ही में हुए हाउसफुल 3 के प्रीमियर में भी कुछ यही देखने को मिला। जब फिल्म के सभी कलाकार मीडिया के कैमरों को पोज देने पहुंचे तो इनमें ऐश्वर्या राय नहीं थी, वो मीडिया के कैमरे से बचती नजर आई। लेकिन कुछ फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीरें खींच ही ली। देखा गया है कि इन तस्वीरों में भी ऐश अपना बेबी बंप छिपा रही थी। तस्वीरों में नजर आ रहा था कि ऐश ने एक बड़ा सा हैंडबैग कंधे पर डाला हुआ था। जैसे ही कैमरे की फ्लैश उनके ऊपर चमकी, उन्होंने अपना बैग पेट के आगे कर लिया। इसे पहले साल 2011 में ऐश ने आराध्या को जन्म दिया था। आराध्या अब 5 साल की हो गई हैं। अब ऐश की उम्र 42 साल की हो गई है। वेल, ऐश की फिर से मां बनने की खबर अगर वाकई सच हुई तो बच्चन परिवार में खुशी का माहौल होगा। डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले ही मिलने लगे हर्षवर्धन को फिल्म ऑफर्स। टेक अ लुक। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है कि किसी एक्टर की डेब्यू फिल्म रिलीज होने से पहले की उसे अगले फिल्म के लिए साइन कर लिया जाता हो। लेकिन अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर में फिल्म निर्माताओं की पहले से ही रुचि पैदा हो गई है। तभी तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और काम को पहले ही पसंद कर लिया गया। जी हाँ, इंडस्ट्री में अगला स्टार बनने के नजदीक है हर्षवर्धन। इस साल निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा की लव स्टोरी मिर्जिया से डेब्यू करने जा रहे हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की डेब्यू फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म साइन कर ली है। उनकी दूसरी फिल्म विक्रमादित्य मोटवानी की भावेश जोशी है। विक्रमादित्य को उड़ान और लुटेरा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, विक्रमादित्य जब पहली बार हर्षवर्धन से मिले तो वे उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। जब मोटवानी से पूछा गया तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हम हर्षवर्धन कपूर के साथ भावेश जोशी फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। भाई, हम तो इनके पहले फिल्म की ही रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। निर्देशकों की पसंद दर्शकों की पसंद बन पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी बॉलीवुड स्टार इलियाना जूतों की फैन है और हर जगह जूते देखना करती है पसंद। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने बताया कि वो जूतों की बेहद शौकीन है। इलियाना ने कहा, मैं पूरी तरह से जूतों की शौकीन हूँ। उन्होंने कहा, मुझे कैमरे की सभी अलमारियों में हर जगह जूते पसंद है। इलियाना 2014 में रिलीज फिल्म हैप्पी एंडिंग में दिखाई दी थी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रुस्तम में भी नजर आएंगी। तीनू सुरेश देसाई द्वारा निर्देशित रुस्तम 12 अगस्त को रिलीज होगी। रुस्तम 1950 के दशक के आखिर की पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। ये फिल्म पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है, लेकिन असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित है। इसे भारत और ब्रिटेन में फिल्माया जाएगा। फिल्म की पटकथा विपुल रावल ने लिखी है। तीनू सुरेश देसाई इसका निर्देशन करेंगे। फिल्म के सह निर्माता एसएल विजन केप ऑफ गुड फिल्म्स एंड कर्ज एंटरटेनमेंट है। विराट अनुष्का फिर से छाए सुर्खियों पर। दरअसल इस बार इनका सीक्रेट लव दिखा कैमरे पर। विराट और अनुष्का के बीच ब्रेकअप की खबरों पर खुद विराट और अनुष्का ने गलत साबित कर दिया। जी हां, अपने आईपीएल में अपने बिजी शेड्यूल के बाद अपना खाली वक्त को अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का के साथ बिता रहे हैं विराट कोहली। मुंबई एयरपोर्ट पर अनुष्का को छोड़ने पहुंचे हैं विराट जी।
जी हाँ, फिल्म सुल्तान की शूटिंग के लिए अनुष्का जर्मनी रवाना हो रही थी। अनुष्का को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए विराट कोहली अपनी कार में एयरपोर्ट पहुंचे। इतना ही नहीं, इस मौके पर टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट ने अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को हग भी किया। कार में दोनों की किस करती हुई तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। जैसे ही अनुष्का और विराट पर कैमरों की नजर पड़ी तो उनके बॉडीगार्ड कैमरे और खिड़की के बीच में खड़े हो गए, पर कैमरों को कार के अंदर की कुछ तो झलक मिल ही गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के अंदर विराट कोहली ने अनुष्का को गले लगाया और किस किया। हालांकि ऐसी साफ साफ तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बीच पिछले दिनों ब्रेकअप की खबरें आई थी, लेकिन अब इन तस्वीरों से तो यही लगता है कि दोनों फिर साथ आ गए हैं। इस साल विराट कोहली शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब विराट कोहली अच्छे फॉर्म में नहीं थे। उस वक्त विराट के चाहने वालों ने अनुष्का का मजाक उड़ाया था। 2016 T20 वर्ल्ड कप में जब हार गए तब भी अनुष्का निशाने पर थी, तब विराट ने सामने आकर मजाक उड़ाने वालों पर ताने कसे थे, लेकिन इसके बाद से विराट और अनुष्का ने दुनिया की नजरों से दूरी बना ली। अनुष्का इसके बाद विराट के मैच देखने कभी नहीं पहुंची। विराट ने भी अनुष्का से जुड़ी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकाली। कुछ वक्त पहले दोनों एक साथ एक डिनर पर नजर आए थे, लेकिन उस वक्त दोनों के बीच काफी दूरियां नजर आई थी। डिनर के बाद दोनों अलग अलग कार में निकले थे। हाल ही में IPL सीजन 9 में विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 973 रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब जीता था। विराट और अनुष्का फिलहाल रिलेशनशिप में है, ऐसी पिक्चर से साफ जाहिर होता है। शिल्पा राज कुंद्रा जल्द एक दूसरे को कहेंगे अलविदा। क्या वाकई दोनों के बीच कुछ है लोचा? इस खबर में कितनी सच्चाई है, जानेंगे इस रिपोर्ट से। बॉलीवुड में फिलहाल ब्रेकअप का मौसम चल रहा है और इसी कड़ी में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का नाम भी जुड़ गया है। खबरों की माने तो राज और शिल्पा, जिन्होंने हाल ही में अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, अब अलग होने जा रहे हैं। लेकिन राज कुंद्रा ने इन सारी बातों को महज एक अफवाह बताया है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, राज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि सारी अफवाहें तब शुरू हुई जब शिल्पा ने अपने फ्रेंड्स को ये कहना शुरू किया कि मेरे पास उनके लिए वक्त नहीं है, मैं अपने ऑफिस में एक डील पर दिन के लगभग 20 घंटे काम कर रहा हूँ और मेरे पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, मैं घर सिर्फ शावर लेने जाता हूँ। Like seriously, I better spend more time at home. Oops, 1:30 AM returning home from office. Raj ने शिल्पा के 41वें बर्थडे के लिए कुछ खास प्लान किए और उनका कहना है कि पिछले साल हमने शिल्पा का बर्थडे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाया था, लेकिन इस बार सिर्फ मैं और शिल्पा इस खास दिन को सेलिब्रेट करेंगे। शिल्पा मेरी प्रिंसेस है और उन्हें खुश रखना मेरा फर्ज है। Well, इस कपल को चाहिए थोड़ा स्पेस। Anyways, आप दोनों की जोड़ी है ग्रेट। ब्यू रिपोर्ट, मेट्रो टीवी, एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी। वेल, बॉलीवुड खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरें जानने के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।